अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे कुछ मोटिवेशनल के बारे में, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बात करेंगे हम के अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आज का हमारा उनवान है कि मसाइल और मौके, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स, इससे निपटने के लिए इनसे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, किस तरह से इसके साथ रहेंगे। तो एक मशहूर मेरे पास आथर की एक बुक है, उससे मैं कुछ उसकी लाइन्स ही आपको बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का हमारा मौजू है कि मसाइल और मौके किसे कहते हैं, ठीक है। सो, आज हम पढ़ेंगे कि मसाइल ज़िंदगी में बहुत सारे आते हैं हमारी ज़िंदगी में। मसाइल, जब तक इंसान ज़िंदा होगा तब तक मसाइल तो ज़रूर होंगे। मसाइल सिर्फ तभी ख़त्म होंगे जब इंसान ख़त्म होगा, अगर उसने अच्छा काम किए हैं तो, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए मसाइल का हल होगा, वहाँ पर मसाइल सब ख़त्म हो जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं कि मसाइल उन मौके, उनसे फ़ायदे कैसे उठा जाएं। अंग्रेज़ी की एक मिसाल है कि मसाइल को भूखा रखो और मौके को खिलाओ, ये कहावत भी कह सकते हैं हम। मसाइल को भूखा रखो और मौके को खिलाओ, स्टार्व द प्रॉब्लम्स एंड फीड द अपॉर्चुनिटीज़। ये एक बहुत बामना बात है कि, बल्कि ये कहना सही होगा कि यही मौजूदा दुनिया में कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। जो शख्स इस गहरी हिकमत को जाने और उसको इस्तेमाल करे, वही इस दुनिया में कामयाब होता है। जो शख्स इस हिकमत को न जाने और उसको इस्तेमाल न कर सके, उसे उसके लिए नाकामी के सिवा और कोई चीज़ मुकद्दर नहीं। असल ये कि मौजूदा दुनिया में आदमी हमेशा दो किस्म की चीज़ों के दरमियान रहता है, हमेशा दो चीज़ों, जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक मसाइल और दूसरे मौके, एक मसाइल और दूसरे मौके, ये दोनों चीज़ें हमेशा इंसान के पास रहती है। मौके रहता है कि भाई ये जो भी हो सकती है, फला काम भी इस तरह से हो सकता है, ये बंदा है, या इस तरह से मसाइल भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। कभी जो है हमारे पास इनकम नहीं होती, कभी जो है हमारे पास तबीयत ठीक नहीं होती, कभी जो है हमारे पास सराउंडिंग सही नहीं होती, ठीक है, कभी मार्केट अच्छी नहीं होती। तो इस सब को निमटने के लिए ये सारे मसाइल कैसे होते हैं, इसके सारे रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। हमेशा ऐसा होता है कि आदमी कुछ मसाइल में घिरा होता है, इसी के साथ हमेशा ये भी होता है कि आदमी के करीब माहौल में कुछ कीमती मौके मौजूद होते हैं, लेकिन वो देखता नहीं है, जिनको भरपूर इस्तेमाल करके वो कामयाबी तक पहुँच सकता है, बिल्कुल पहुँच सकता है अगर उस मौक़ों को इस्तेमाल करें। ये सूरत हाल एक फ़र्द के साथ भी हमें पेश आती है और एक पूरी कौम के साथ भी पेश आ सकती है। देखें, मार्केटिंग का असूल ये होता है कि जहाँ पे जिस चीज़ की हद से ज़्यादा नीड हो, न्यू चीज़ बनानी पड़े, तो वहाँ पे वो अगर वो न्यू चीज़ बनाएंगे तो ही वो प्रोडक्ट उनकी चलेगी नीड बेस्ड। अगर वहाँ पे वही चीज़ चलाएंगे जो पहले से चल रही है, तो वो मार्केट में उनका कोई भी फ्लॉप चीज़ जाएगी। इस तरह से मौके को तलाश करते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज़ कामयाब हुई हैं, जो भी आप बिजनेसमैन कामयाब हुए हैं सुनते हैं, तो इसी तरह से हुए। यही वो मकाम है जहां दुनिया लोगों का इम्तिहान ले रही है, दुनिया लोगों का इम्तिहान ले रही है कि वो किस तरह से मौके से फ़ायदा उठाएगा। जो शख्स सिर्फ अपने मसाइल को देखे और उसी में उलझ जाए, वो अपने मौके खो देता है। सारा दिन रोता रहे कि मेरे साथ ये मसाइल हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं, वगैरह वगैरह, तो वो उसी में ही खोया रहेगा। उस मौके उसके सामने जो होंगे वो चले जाएंगे। और एक ये भी कहावत है कि अपॉर्चुनिटीज़ नेवर पीट, एक जो चला गया फिर वापस वो नहीं आएगा, दूसरा आ सकता है। इसके बरक्स जो शख्स मौके को देखे और उनका इस्तेमाल करे, वो मसाइल में ज़्यादा तवज्जा न देगा, वो तवज्जा नहीं देगा मसाइल, वो हमेशा ये सोचेगा कि कौन सा मौका मेरे पास है और उससे किससे फ़ायदा उठाया जाए। मसाइल को खिलाना मौके को भूखा रखने की कीमत पर होता है। इस तरह जो शख्स मौके को खिलाएगा, वो इस कीमत पर होगा कि उसके मसाइल भूखे रह जाएंगे। ये एक हकीकत है कि मौके को इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मसाइल को नज़रअंदाज करना पड़ता है। हमेशा मसाइल को नज़रअंदाज करो, फिर मौके की तलाश करो। ऐसे नहीं कि मसाइल भी आप अपने जहन में रख के बैठे हो और उसी तरह से, ऐसे नहीं होगा। तजर्बा बताता है कि मसाइल में उलझना कभी भी किसी के लिए मुफीद नहीं होता। मसाइल में उलझना कभी भी किसी के लिए मुफीद नहीं होता कि हमेशा मसलों में जो है घसीटा हुआ चलता रहे, ठीक है, उलझा हुआ रहे, नहीं, उसे निकले बाहर। आखिरी नतीजा के तौर पर वो सिर्फ वक्त को ज़ाया करने के लिए माना रखता है।
मगर जो शख्स अपने आप को मौके के इस्तेमाल में लगाता है वो न सिर्फ मौके का फ़ायदा हासिल करता है बल्कि उसकी कामयाबी बिलवस्त तौर पर उस चीज़ को भी हासिल कर देती है जिसको मसाइल कहते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था, अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करें, मसलों को हम देखें नहीं, मसलों को छोड़ के उसके अलावा जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सराउंडिंग में उसी को हम देखें, इस तरह से हमारे ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न्यू हैं चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ज़िंदगी में सिर्फ इंसान जो है पैसे कमाने के लिए नहीं आया, कुछ बांटे भी सही। स्पेशली जो मेरा ये जो चैनल है बायोलॉजी के हवाले से है, और हमें पता है कि ये लिमिटेड सब्जेक्ट है, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी होनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी के अंदर। तो हमेशा बच्चों के लिए ये भी चीज़ें मैं बताता जाता हूँ, तो ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेरेंट्स को भी कहिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।